योगी सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, बावजूद इसके बच्चे जर्जर भवनों में डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। ताजा मामला चंदौली का है, जहां साहबगंज विकास खंड के मूसा खाड़ में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय काफी जर्जर हालत में है। आलम यह है कि स्कूल कभी भी जमींदोज हो सकता है। इतना ही नहीं, हादसे के डर से शिक्षक बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों को देख अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल के हालात क्या हैं। प्रधानाचार्य का कहना है कि वो कई बार स्कूल की बदहाल स्थिति के बारे में अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सर, यहाँ की स्कूल की स्थिति काफी जर्जर रही है। बच्चे क्या है कि बच्चों को बैठाने लायक विद्यालय में नहीं है, इसलिए क्या है कि टीचर के पेड़ के नीचे है इनको पढ़ाया जा रहा है। इसकी शिकायत किसी से की है आपने? हाँ सर, इसकी शिकायत जो है मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को भी लिखित रूप में दिया है, ABSA को भी सर रजिस्ट्री करके मैंने दिया, BDO साहब को भी दे रखा हूँ, प्रधान के माध्यम से भी इसको कई बार दिया जा चुका है। क्या बोले? बोले सर जो है कि अभी बच्चों को उसमें मत पढ़ाइए, जो है अभी मरम्मत के लिए जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक जो है ऐसा सर कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है शासन। हालांकि जब इस पूरे मामले में ABSA से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही ऑपरेशन कायाकल्प चलाकर जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय मूसा खाड फर्स्ट, उसकी बिल्डिंग जर्जर है, उसमें दो कमरे जर्जर है, एक कमरा उनका ठीक है और बरामदा ठीक है, तो पूर्व में उनके द्वारा सूचना भी दी गई, हमारे द्वारा भी सूचना दे दी गई है जनपद पे, और BSA साहब द्वारा भी एक आदेश किया गया है कि जो भी जर्जर भवन है उसमें बच्चों को न बैठाया जाए, और इसके तहत मैंने वहाँ के ग्राम प्रधान से संपर्क करके कह दिया है कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालय में जो भवन जर्जर है उसकी आप द्वारा मरम्मत करा दी जाए, जिससे भवन ठीक हो सके। कब तक शुरू किया जाएगा सर? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम जल्दी उस पर काम लगवाएंगे। अभी दूसरे विद्यालय में जो है काम चल रहा था उनका, फिर मैं प्रयास करूंगा उनसे बात करके कि जल्द से जल्द वहाँ पर काम शुरू। फिलहाल अधिकारी ने जल्द ही स्कूल की कायाकल्प करने का आश्वासन दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर शिक्षकों की शिकायत के बाद भी अभी तक स्कूल की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई, और अगर इस दौरान अगर कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।